तो अभी हम बहुत बिजी है लंच में और अभी टाइम हो गया है 12:30। 12:30 वैसे ठीक ठाक टाइम है लंच करने के लिए, पर एवरीडे हम 12:30 बजे लंच नहीं करते। पर आज ब्रेकफास्ट में बहुत ही हल्का फुल्का कुछ खाए थे हमने, जैसे कि कर्ड लिया था और कर्ड के साथ कुछ भी नहीं लिया था, तो इसलिए आज लंच थोड़ा सा मतलब जल्दी कर रही हूँ। और आर्यन को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, तो इसलिए जल्दी से लंच कर लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज लंच में हम क्या ले रहे हैं। अच्छा, मेरे घर में जो काम करते हैं तो उन्हें मैं हर टाइम मेड मेड बुला भी अच्छा नहीं लगता। उनका नाम मैं आपको बताती हूँ, लिपि। उनका नाम है लिपि और मैं उन्हें बुलाती हूँ लिपि दी। तो जब मैं लिपि दी बुलाऊंगी ना, तब आप समझ लेना मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लिपि दी आजकल बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं हमारे लिए, तो भिंडी फ्राई या फिर परवल फ्राई और दाल, और ये है आलू गोभी जो कि बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाने के लिए बोला था, तो ज़्यादा सा भी इसमें मसाला नहीं है, सिंपल सा बना है। और टमाटो के लिए थोड़ा रेड दिख रहा है, एंड आई होप ये खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। भालोचे आर्यन, आर्यन तो कब से खाना स्टार्ट कर दिया है, भालोचे तुम आलू डाल दो, भिंडी बाजा। हो गया हमारा लंच। और आर्यन की कुछ भाई, एक रेस्ट करो, তারপর আবার ये शुरू करो, बाकी গুলো রিভিশন করো, শুরু করো। और अभी लेना है थोड़ा सा रेस्ट, पर रेस्ट मतलब खाने लंच करना या कुछ भी खाना खाने के तुरंत बाद ही सोना नहीं चाहिए। तो सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े जो कि हर रोज़ बाहर से जो लाती हूँ वो रह जाता है, तो वो मैं कुछ अरेंज कर लूँ। पर इतना ज़्यादा है, बड़े बड़े कपड़े आप 5-10 भी आप अरेंज कर सकते हैं, मतलब फोल्ड कर सकते हैं, पर ये छोटे छोटे सॉक्स, आर्यन की चड्डी बड्डी, तो ये सब चीज़ फोल्ड करने में इतना तकलीफ, इतना प्रॉब्लम होता है, तो उसे किस तरह से मैं फोल्ड करूँ कुछ समझ में नहीं आता। खाना थोड़ा सा आज ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, ভেন্ডি ভাজাটা পরেও ছিল, কিন্তু ভেন্ডি ভাজাটা তোকে আমি দিতে ভুলে গেছি, তাই ওটা রাতে খেয়ে নিস। এটা ওটাকে কাছে দিয়ে আসি। আবি ও দেখিয়ে সারে কপড়ে ওয়াপ পে ফেলে হুয়ে হ্যায়, ও মানে থোড়া সা অ্যারেঞ্জ করুঙ্গি, ইয়ে করুঙ্গি, আর फिर मैं आपसे शाम को मिलूंगी, क्योंकि शाम के टाइम में मुझे मतलब बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम में काम करना, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना और ब्लॉगिंग करना। तो ऑब्वियसली ब्लॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम में, उस टाइम में मैं इतना फ्री फील करती हूँ, क्या बोलूँ, सारे लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। तो उस टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब कोई भी काम का कोई प्रेशर नहीं रहता, कुछ नहीं, उस टाइम में बस इतना लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से थोड़ा सा तैयार हो जाऊं कहीं बाहर। ओहो, ऐसा लगता है कि मैं शाम के टाइम में अच्छे से तैयार हो जाऊं, थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज कर लूं, और उसके बाद मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ, मैं अपना काम स्टार्ट कर लूँ। और अभी जो एक नया काम मेरे साथ जुड़े जुड़ा है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसके लिए भी मुझे टाइम अभी निकालना पड़ेगा। तो सब चीज़ को लेके मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ, मतलब रहना चाहती थी, तो इसलिए अभी वो मैं कर रही हूँ। मतलब मुझे बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत कम देखती हूँ टीवी, हाँ, पर यूट्यूब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। मेरे घर में हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूट्यूब में एक्टिव रहते, मिथुन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी हो यूट्यूब, आर्यन को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो यूट्यूब, और मुझे भी अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसके रिव्यू के लिए वो मैं यूट्यूब देख लेती हूँ। तो हर एक चीज़ के लिए हम यूट्यूब पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। और टीवी हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे मूवी देखने के लिए, हम पूरे दिन मूवी, मतलब बीच बीच में हम थोड़ा खाना पीना, थोड़ा सा बाहर जाना, क्योंकि सब्जी वगैरह भी तो लाना पड़ता है, तो वो सब करना और पूरे दिन मूवी देखना, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मतलब मंचिंग के लिए भी आप ऐसे ही नहीं बैठ के टीवी नहीं देख सकते, कुछ मंचिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है।
वो सब चीज़ कभी बाहर से मंगवाते हैं कभी घर में बनाती हूँ, तो ये सब लेके मस्त जाता है हमारा वीकेंड कि बाबा। तो अभी इसको भी थोड़ा सा संभालना है क्योंकि सुबह से पढ़ाई कर रहे थे। अरे बाबा ले गई, अबे हम स्विमिंग कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा हूँ। तो ये भी सुबह से पढ़ाई कर रहे थे तो अभी ये भी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं भी ये सारे काम मतलब कर लूँ, उसके बाद सो जाते हैं। और अब से मैं मिलती हूँ एक लवली, एक बहुत ही खूबसूरत से इवनिंग में, क्योंकि एवरीडे इवनिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। एक कप चाय के साथ जब मैं आपसे बात करती हूँ तो अमेजिंग फील होता है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मेरा बेटा क्या करके गए है देखिए। कल एग्ज़ाम के लिए कल कौन सा बैग लेके जाएगा, तो इसलिए सारे बैग यहाँ पे लेके आए हैं, चेयर लेके आए हैं, ऊपर से वार्डरोब के ऊपर से क्या क्या निकालते रहते हैं दिन भर। साढ़े पाँच से थोड़ा सा ज़्यादा ही हैं, और मैं जस्ट एक घंटे के लिए शायद मैं सोई थी। उसके बाद उठने के बाद मैंने अपना हेयर वॉश किया, और फिर जो भगवान को जो इवनिंग के टाइम में हम कुछ अगरबत्ती फिर दिया दिखाते हैं ना, तो कई सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि आप पूजा करते इस टाइम में। वो पूजा नहीं है पर एक टाइप की प्रेयर है, पूजा नहीं है पर वो पूजा ही कुछ है आप बोल सकते हैं। उसे संध्यावती कहते हैं बंगाली में, आप इसे आरती बोल सकते हैं। तो ये वही है, तो वो भी करके अभी जस्ट आई हूँ मैं, मेरे कैमरा को जस्ट ऑन किया है। तो अभी मैं जाऊँगी। एक चीज़ अभी तो मुझे फ़िलहाल चाय पीनी है, चाय के साथ आज मैं एक चीज़ लेने वाली हूँ, वो लोकल हर किसी को पता होगा, लेफ्ट ओवर रोटी रहते हैं ना घर में, या तो ऐसा मान लीजिए कि ब्रेकफास्ट के 2 रोटी या लंच के 2 रोटी जब बच जाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है और वो सॉफ्ट भी नहीं रहता, तो वो खाना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। पर वो क्या हम वेस्ट करें, उसे हम फेंक दें? नहीं, उसके साथ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बचपन से मैंने देखा है जब भी लेफ्ट ओवर रोटी रहते हैं रात में हम, तो नेक्स्ट डे वो रोटी को ऑयल में फ्राई किया जाता है, थोड़ा सा ऑयल के साथ ऐसे प्रेशर दे दे के फ्राई किया जाता है ताकि वो क्रिस्पी बन जाए, और वो चाय के साथ इतना अच्छा लगता है, क्रिस्पी वाला रोटी बिल्कुल पापड़ जैसे बन जाते हैं, खाकरा जैसे बन जाते हैं। तो वही आज मैं बनाऊंगी। तो आज बहुत दिनों बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क टी के साथ, मलाई पाउडर ले आती हूँ वरना हाथ में लेके तो मैं चाय नहीं बना सकती, पर आज मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं आज वो क्रिस्पी वाला रोटी के साथ चाय लूँ। तो चलिए चाय का मज़ा लेते हैं और फिर खाते हुए या पीते हुए आपके साथ बात करते हैं। वैसे आप लोग मुझे मना करते रहते हो कि खाते हुए आप बात मत करो, मैं बस एक दो बात करने से इतना प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, मैं पूरा खाना शूट थोड़ी करती हूँ, बस थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। मेरे घर में कोई है नहीं, फिर भी लगता है कि कोई है मेरे साथ हमेशा। एक मिनट, हाँ मैं पहले थोड़ा सा लंच का राइस बचा हुआ था इसे मैं कहीं पे शिफ्ट कर लूँ, थोड़ा सा चावल भिगो दूँ डिनर के लिए, उसके बाद मैं बनाती हूँ चाय। आज मुझे मन कर रहा है, अभी शाम के टाइम है, अभी 6 बजने को आया है, फिर भी अभी मुझे मन कर रहा है कि आज रात को मैं चिकन बनाऊँ, पतला सा चिकन जो कि बंगाली स्टाइल में हो, ज़्यादा मसाले ना दूँ, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर दूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन के साथ मैं बना लूँ। पर अभी क्या चिकन मिलेगा पता नहीं, अभी शाम के टाइम हो चुका है, जाके एक बार चेक कर लेते हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि जाके एक बार चेक कर लेते, मैं ये भिगो लूँ जाके एक बार चेक कर लूँ, अगर हो जाते, क्योंकि आर्यन के टीचर को आने में अभी थोड़ा टाइम है, अभी 1 घंटे बाद आने वाले हैं, थोड़ा सा जाके चेक करके आते, अगर चिकन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। वैसे चिकन मैं कल भी खा सकती हूँ।
चिकन मैं कल भी खा सकती हूँ, पर जो चीज जब खाने का मन करे ना उस टाइम में खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। सीरियसली छोटे छोटे आईलैशेस को भी ना आप बड़ा बना सकते हैं। बड़ा मीन्स जो आईलैशेस थोड़ा सा सा कर्ल होके रहे, अच्छा लगता है ना दिखने में। तो एक ऐसा कर्लर, आईलैश कर्लर ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये आप अपने रेगुलर के लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ कहीं ना कहीं जाए तभी आप इसे यूज़ करें, ठीक है। और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, आईलैश का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछते रहते हैं कि आईलैश किस तरह से बड़ा बनाया जाए। एक्चुअली क्या होता है, आईलैश बड़ा बनाया जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या होता है कि घना बनाया जा सकता है अगर ये रिमूव हो रहा है, जैसे हेयर फॉल होता है ऐसे अगर आईलैश मतलब फॉल होता है तो आप इसे घना बना सकते हैं कुछ रेमेडी से, जैसे कि वो कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें घना होता है पर बड़ा लंबा नहीं होता, तो इसलिए मैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसे यूज़ करना किस तरह से ये भी मुझे पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूँ इस तरह से। ये मेरे दोनों आँखों को देखिए तो आपको पता चलेगा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया और इसमें अभी भी थोड़ा सा इससे प्रेस किया है, कितनी अच्छी तरह से ये इसे ऐसे कुछ कर्ल जैसे कुछ दिख रहा है ना ये ऐसे, पर ये ऐसे नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने आईलैशेस को और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं, पर लॉन्ग नहीं बना सकते। इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है ना अभी ये आईलाइनर, ये सॉरी ये आईलैश, और ये थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है तो इसे भी मैं ऐसे कर दूँ। और ऊपर से अगर इसमें थोड़ा सा मस्कारा लगा लेते हैं ना, अब देखिए इसका लुक, मेरा आँखों का जो लुक है वही चेंज हो गया। और इसमें अगर आप थोड़ा सा मस्कारा लगा देते हैं ना तो ये जो कर्लनेस है, ये जो कर्ल हो गया है ना, ये धीरे 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 फिर से स्ट्रेट हो जाता है कुछ ही घंटों के बाद। तो अगर इसके बाद आप थोड़ा सा मस्कारा लगा देते हैं ना तो घंटों तक, मतलब जब तक इसे आप रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे कर्ल रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत दिनों से इसके ऊपर मेरे ब्यूटी टिप्स चैनल में भी और इस चैनल में भी बात हो रहा था, तो मैंने सोचा कभी मैं आपको दिखा दो। ना इसमें कोई दर्द होता है ना ही कुछ, और ना ही इसमें वो रिमूव होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा मस्कारा लगा दूँ, अब ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। कोई भी फॉल्स आईलाइनर आईलैशेस मैंने यूज़ नहीं की, बस मेरा खुद का है। फिर भी देखिए कितना लुक का ही कितना चेंज हो गया है ना। इस तरह से आप अपने ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना करते हुए भी आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं, और जो करती हूँ वो अच्छा हो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो, वाटर रेजिस्टेंट हो, तो ही यूज़ करके आपको फ़ायदा है। तो ये जो मैंने मास्कारा अभी अभी यूज़ किया है, ये मैंने मोडा का यूज़ किया है, ये जस्ट फैंटास्टिक जो मास्कारा है ये, मतलब इतने टाइम तक ये स्टे करेगा। मैं इस वीडियो को जब एंड करूँगी, मतलब मैं बहुत रात तक जगी रहती हूँ और अपने वीडियो भी रात तक, मतलब 11:30-12 बजे तक मैं इस मतलब हर रोज़ अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, तो तब भी आप देखना जब तक मैं फेस को क्लीन नहीं करूँगी तब तक ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मेरा जो आई लैशेज है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और आई मेकअप में मास्कारा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आई लैशेज को आपको लेंदी दिखानी है तो एक अच्छा वाला मास्कारा यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ठीक और लेंदी आई लैश का लुक देते हैं। तो इस तरह से आप अपने आई मेकअप को अगर एक नेचुरल लुक भी देना है, साथ में आपके आईज को भी एक ब्यूटीफुल लुक देना है, तो इस तरह से आप अपने आई मेकअप कर सकते हैं। आपको आईलैशेस भी अगर आप यूज करते हैं फॉल्स आईलैशेस, तो उसके साथ भी आपके ओरिजिनल आईलैशेस को ज्वाइंट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तब भी ये मास्कारा अगर अच्छे क्वालिटी का हो तो बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाते हैं। चिकन के वहाँ से घूम के आई हूँ, खामोखा मैं गई, जाके देखा कि वो जो ऐसे नेट जैसे रहते हैं जिसके अंदर चिकन रहता है, हेन रहता है, तो
तो वो भी खाली है और थोड़ा सा आगे जाके देखा कि वो मुझे दूर से दिखता है, फिर आगे जाके देख रही हूँ कि अगर शॉप खुला है तो वहां पे कभी कभार रहता है, उसके अंदर भी कभी कभार रहता है, वो शॉप भी बंद है, शटर क्लोज है। और मीटिंग भी आने वाले हैं 8:30-9 बजे, तब कोई शॉप खुला भी नहीं रहेगा, और अगर ओपन भी रहता है तो अगर लेके भी आते हैं तो उस टाइम में बनाना, उसको क्लीन करना, क्लीन करने में कितना टाइम चला जाता है, फिर उसे बनाना, देखते हैं क्या होता है। और इनका टीचर भी आ चुके हैं और वो वहाँ पे चाय पी रहे हैं और मैं यहाँ पे चाय पी रही। उस का जो आटे के साथ मिक्स करने के लिए जो आटा मिक्स है ना प्रोटीन वाला, उससे रोटी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। लाइक आपको लगेगा कि ग्रीन पीस का कचौरी जैसे होता है ना, कचौरी अंदर स्टफिंग होता है, ऐसा एक मतलब ऐसा टेस्ट तो नहीं होता क्योंकि पाउडर से इतना भी टेस्ट नहीं होता, पर ऐसा एक मतलब खुशबू आते रहते हैं, अच्छा लगता है। ऐसा कुछ देसी खाना होता है ना जो हम लगभग भूल ही चुके हैं उसे खाना, उसे बनाना भी याद तक कि हम भूल चुके, पर वो अगर किसी दिन बन जाए ना तो बस दिन बन जाता है। तो मिथुन अभी आ रहे घर और मिथुन को मैंने बोला था कि मुझे आज चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है। सर 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 ये मैं अपने राइस चढ़ा के चली आई, सॉरी, तो मैं राइस चढ़ा के चली आई। तो मैंने मिथुन को बोला है कि आज मुझे चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, पर मैं गई थी वहाँ पे नहीं मिला, तो मिथुन बोल रहा है तो अभी आ रहे, और अभी टाइम हुआ है 9:05 हो गए, तो मिथुन बोल रहा है कि रेडी होके रहो। मुझे लगता है मिथुन मुझे लेके जाने वाले हैं एलिमेंट्स मॉल, मुझे लगता है क्योंकि मॉल के अलावा अभी तो इस टाइम में कुछ ओपन नहीं रहेगा।
मिथुन का फोन। तो मिथुन आ गए हैं और हाँ पंटापुर जेटा हाथों पास हाथी पुरने। मिथुन अभी एग्जिट गेट के सामने हैं और हम अभी जा रहे हैं। और मिथुन पता नहीं मतलब इसलिए थोड़ा सा मेकअप किया है और पता नहीं मिथुन मतलब मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया है तो कल सुबह भी हम ला सकते थे, पर हाँ वो अलग बात है कि जब जो चीज़ खाने का मन करता है तब मिलने से अच्छा लगता है। तो चलते हैं अभी कार में मिलते हैं हम। अभी हम आ गए चिकन शॉप में और आर्यन को यहाँ पे हम बांध के रखे हैं। दुष्टू बच्चा है ना, कभी भी रोड पे जा सकते हैं। और यहाँ पे मिथुन है चिकन शॉप में, जैसे चिड़ियाघर में रहते हैं ना बिल्कुल ऐसे हम बाहर से देखते हैं। आर्यन बिल्कुल को बिल्कुल ऐसे लग रहा है। चिकन शॉप का कॉमन गेस्ट मिस्टर डॉगी। हेलो मिस्टर डॉगी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यहाँ से तुम्हें बुला रहे हैं मिस्टर डॉगी। तुम ऐसे खुले में हो और वो ऐसे तो बन चुका है मेरा खाना इतने रात को। अभी कितना टाइम है? 11:10 बजे। तो ये रहा चिकन, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ चिकन करी दिखने। चिकन करी काफ़ी अच्छा हुआ है, पर बिलीव मी इसमें मैं जिंजर गार्लिक एंड अनियन के सिवा कुछ नहीं डाला। हाँ थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, सॉरी टर्मरिक पाउडर तो हर कोई यूज़ करते, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था बस, ना ही कोई गरम मसाला ना ही कुछ क्यूमिन पाउडर कोरिएंडर पाउडर कुछ भी नहीं डाला। सबसे पहले मेरे बेबी को, फिर डैडा को। तुम्हें पटाटो नहीं था ना? पटाटो नहीं था, তাহলে চিকেনের পটাটো সব থেকে বেশি ভালোবাসে ড্যাডা। পটাটোটা পটাটো ভালোবাসে। আগে একটু জল দিয়ে ধর ফুল করেক্ট না আরিয়ান? দোজ হু আর পটাটোস দে লাইক পটাটোস করেক্ট? বাট আই এম নট আ পটাটো, দ্যাটস হোয়াই ইউ আর নট লাইকিং পটাটো। না নো, আই লাইক পটাটো ভাজা। ইউ লাইক পটাটো ভাজা এন্ড আই লাইক পটাটো চিপস। ओके देन सो ओह वाओ दे डैम टेस्टी, डैम टेस्टी, या डैम टेस्टी। ओके थैंक यू, थैंक यू मिस्टर आर्यन। टेस्टी है। थैंक यू मिस्टर आर्यनस फादर। और ये कोई बहुत ज्यादा गाढ़ा कुछ नहीं बनाई है, अब देख सकते हैं पतला सा मांगशीर झोल। Yes, this is called mangshir chhol. तो खाने में भी बहुत मजा आने वाला है। मुझे रियली बहुत शांति मिल रही है। मुझे तो लगा था कि आज इतना टाइम हो चुका है तो आज चिकन नहीं मिलेगा, पर मिथुन कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर ही दिया है। यार इतने लेट तक
कोई शॉप भी ओपन रहेगा ये भी मुझे पता नहीं था. मैंने सोचा कि मॉल में ले जाएंगे, फिर मॉल भी बंद होने का टाइम लगभग हो चुका था. जब तक हम मॉल में पार्क करके हम ऊपर जाते तब तक स्पार्क तो बंद हो जाता, पर यहाँ पे एक लोकल शॉप ओपन था. लोकल शॉप को थैंक यू बोला, लोकल शॉप को थैंक यू. और वैसे भी गर्मा गर्म कोई भी चीज़ अगर आप खाते हो ना तो अच्छा लगता है ना. ठंडा होने के बाद बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट ही चले जाते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है. अभी हम जा रहे हैं सोने, पर मिथुन अभी इसी टाइम में बहुत ज्यादा बिजी है. थैंक यू सो मच. मैं जबकि बात कर रही हूँ तो बिना बोले ही अपना साउंड कम कर दिया है. तो अभी हम जा रहे हैं सोने और आज वॉक पे नहीं गई मैं. मिथुन वॉक से ऑलरेडी वॉक करके चले आए, आर्यन भी सो चुके हैं, कल आर्यन के एग्जाम है और मैं भी अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूंगी क्योंकि अभी काफी टाइम हो जाए. वन ओ क्लॉक कुछ पता ही नहीं चलता. घर में बातें करते हुए, गपशप करते हुए, ये सारे मतलब बहुत सारे मेरे चीजें होते हैं जो कि आफ्टर डिनर हम दोनों डिस्कस करते हैं उसको लेके. ये सब करते हुए इतना टाइम हो गया और आज सिर्फ 20 मिनट्स के लिए मिथुन वॉक पे गए थे. आज मैं नहीं गई तो 1 बज गए. तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ. तो तब तक